हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेजल नॉर्म्स के बारे में। ये उसका पार्ट वन है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो, CRAR भी बोला जाता है इसको। तो ये क्या है ये आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक कंपनी जो होती है उसकी बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट आपको दिखाया है। यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर दो साइड्स होती हैं, एक साइड होती है असेट और दूसरे साइड होते हैं लायबिलिटीज़। नाउ ये लायबिलिटी के दो पार्ट हैं, एक तो आउटसाइड लायबिलिटी, ये जो लायबिलिटी है उसको एक्चुअली बोला जाता है आउटसाइड लायबिलिटी, और दूसरा होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है वो ऐसा पैसा है जो कंपनी के ओनर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को क्वेश्चन होगा कि भाई ये कंपनी के ओनर्स का पैसा है तो फिर वो लायबिलिटी साइड क्यों है। तो इसके लिए एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि कंपनी एक अलग एंटिटी है और कंपनी के मालिक एक अलग एंटिटी है। ठीक है, तो कंपनी के मालिक ने कंपनी को कुछ पैसा थोड़े टाइम के लिए यूज़ करने के लिए दिया है। ठीक है, वो उधार नहीं है, कंपनी को अपने मालिकों को इंटरेस्ट पे नहीं करना है, वो उन्होंने थोड़ी टाइम के लिए दिया है जिसको कंपनी को अब असेट्स में इन्वेस्ट करना है वही पैसे को, और उस पे रिटर्न जनरेट करके अपने मालिकों को वो पैसा रिटर्न के साथ देना है। ठीक है, तो इसलिए ये कंपनी के जो एक अलग ही एंटिटी है ये उसके ऊपर एक लायबिलिटी बन जाती है कि उन पैसों को इन्वेस्ट करके अपने ओनर्स को रिटर्न देना। ठीक है, इसलिए वो लायबिलिटी साइड गिना जाता है। तो ये है एक कंपनी की बैलेंस शीट। नाउ अब बैंक के बारे में बात करते हैं। तो बैंक में भी असेट्स और लायबिलिटीज़ होते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि बैंक का जो बैलेंस शीट होता है वो बाकी लोगों के बैलेंस शीट से अलग होता है। जो हमारे लिए असेट्स हैं वो बैंक के लिए लायबिलिटी होती है, और जो हमारे लिए लायबिलिटी है वो बैंक के लिए असेट होता है। ठीक है, तो बैंक क्या करती है, उसका जो बिज़नेस मॉडल है वो मैं मेरे आगे के वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, पर फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ कि हम जो पैसा डिपॉज़िट करते हैं उस पे बैंक हमको कुछ ब्याज देता है। ठीक है, और वही पैसा जो हमने डिपॉज़िट किया है वही पैसा बैंक आगे अपने कस्टमर्स को लोन देता है। ठीक है, नाउ यहाँ से बैंक को रिटर्न मिलता है कुछ ब्याज, और उसमें से थोड़ा ब्याज वो डिपॉजिटर्स को देके बाकी का जो डिफरेंस है जिसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम या नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं वो बैंक अपने पास रखता है। ठीक है, अब ये लोन जो बैंक का है वो उसको इनकम जनरेट करके दे रहा है, इसलिए ये लोन्स जो होंगे वो बैंक के असेट्स होंगे, और ये जो डिपॉजिट्स हैं उस पे तो एक्चुअली बैंक को खर्चा आ रहा है। अगर तुमने 100 रुपया डिपॉज़िट किया है बैंक में तो 4 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को तुम्हें। ठीक है, इसलिए वो तुम्हारी लायबिलिटीज़ हैं, तुम्हारी मतलब सॉरी बैंक की लायबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि ये जो डिपॉज़िटर है ये कभी भी अपना पैसा मांग सकता है। ठीक है, तो बैंक को वो पैसा जो है जब भी वो मांगे तब वो देना है, और उसके साथ साथ जो उसका डिपॉजिट का रेट है वो भी उसको वापस देना है। ठीक है, तो ये एक तरीके का बैंक का बिजनेस मॉडल है। नाउ बैंक के बैलेंस शीट के बारे में देखते हैं। तो इस साइड मैंने लायबिलिटी लिखी है जो कि लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है। ठीक है, मान लेते हैं वो 100 करोड़ है, और इस साइड मैंने असेट्स लिखे हैं बैंक के। अब ये जो असेट्स हैं 100 करोड़ के, ऑब्वियसली ये 100 करोड़ लायबिलिटी हैं तो असेट भी 100 करोड़ के होंगे, पर इसमें से बैंक को सबसे पहले ये जो RBI की रिक्वायरमेंट होती है CRR SLR की, वो पूरी करनी पड़ेगी। मान लो CRR और SLR मिला के टोटल 25% है। ठीक है, तो बैंक के पास जितने भी 100 करोड़ डिपॉजिट होते हैं उसमें से सबसे पहले 25 करोड़ तो साइड में निकालने पड़ेंगे। ठीक है, पर फिर भी वो बैंक के लिए तो असेट साइड ही रहेंगे। ठीक है, तो 25 करोड़ मान लो CRR SLR में डाल दिए,
तो उसके बाद बैंक के पास बचेंगे 75 करोड़ जो कि वो लोन में दे सकेगा। ठीक है, नाउ मान लो ये 75 करोड़ पूरे बैंक ने लोन में दे दिए। अब उसके बाद कुछ अकाउंट्स ऐसे होंगे या कुछ कस्टमर बैंक के ऐसे होंगे जो कि बैंक को पैसा रीपे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ये जो लोग हैं जो कि पैसा रीपे नहीं कर पा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कि ये अकाउंट्स एनपीए हो गए। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो लोन है, मैंने अभी ही बताया, लोन ये बैंक के लिए क्या होता है? असेट। ठीक है, वो असेट बैंक के लिए परफॉर्म करता है। परफॉर्म करता है इसका मतलब क्या है? वो असेट उसको रिटर्न देता है बैंक को। ठीक है, तो जब तक वो हर महीने ईएमआई भर रहा है तब तक वो बैंक के लिए परफॉर्मिंग है या स्टैंडर्ड अकाउंट है। जैसे ही वो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट दोनों में से कुछ भी देना बंद कर देता है तो फिर वो अकाउंट या वो कस्टमर बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग होता है। ठीक है, इसलिए हम ऐसे अकाउंट्स या ऐसे कस्टमर जो कि बैंक को लोन का पैसा वापस नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ठीक है, नाउ मान लेते हैं कि ये जो 75 करोड़ बैंक ने लोन में दिए हैं उसमें से बैंक 65 करोड़ ही रिपे कर सॉरी रिट रिकवर कर पा रहा है। ठीक है, 10 करोड़ जो है वो बैंक के चले गए हैं। तो इस केस में क्या होगा? बैंक जो है वो 75 करोड़ में से सिर्फ अपने असेट साइड में अब 65 करोड़ ही दिखा पाएगा। ठीक है, पर ये जो 75 करोड़ लोन में दिए गए थे ये क्या बैंक के खुद के पैसे थे? ना, वो पब्लिक के पैसे थे। ठीक है, तो अब बैंक पब्लिक को ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता कि भाई 75 करोड़ का मैंने लोन दिया था, उसमें से 65 करोड़ ही आए, 10 करोड़ चले गए, तो जिन लोगों ने भी जो पैसा डाला था उसमें से 10 करोड़ जितना हम डिपॉजिटरों को वापस नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। पब्लिक ने तो जो पैसा डिपॉजिट किया है बैंक में वो तो बैंक को पूरे का पूरा वापस ही करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बैंक को एक बैकअप क्रिएट करना पड़ेगा अगेंस्ट सच अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस। अगर पब्लिक का पैसा जो आगे लोन में घुमाया है वो अगर उनको वापस नहीं मिलता तो ऐसे केसेस में बैंक को बैकअप रखना पड़ेगा, और वो बैकअप जो है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, इसलिए बैंक को इन केसेस के लिए बैक एंड में मतलब सेफ्टी के लिए एक कैपिटल बेस बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब बैंक की बैलेंस शीट हम फिर से देखते हैं। तो इसमें मैंने इस साइड सिर्फ लायबिलिटी ही दिखाई थी आगे की स्लाइड में, पर अब मैंने ये शेयर होल्डर्स इक्विटी ऐड कर दी है। तो अब बैंक की जो बैलेंस शीट है वो नॉर्मल कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वैसी ही दिख रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा? यहाँ पे डिपॉजिट वही रहेंगे 100 करोड़ के, उसमें से 25 करोड़ CRR SLR में चले जाएंगे। ठीक है, और 75 करोड़ लोन में जाएंगे। ठीक है, पर बैंक को एक्चुअली पता हो रहता है, या तो वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई अराउंड कितना परसेंट एनपीए हो जाता है उनका। ठीक है, इसलिए मान लेते हैं कि वो लोग ये शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है यहाँ पे वो लोग 10 करोड़ लेके आते हैं। ठीक है, या तो उनके ओनर्स पैसा डालते हैं या तो आईपीओ करके लोगों में शेयर्स बांट के 10 करोड़ लेके आते हैं। ठीक है, अब वो 10 करोड़ वो एज ए इन्वेस्टमेंट बता देंगे और वो असेट्स में वो दिखा देंगे जो कि वो 10 करोड़ लेके आए हैं। अब क्या होगा? ये जो 75 करोड़ लोन में दिए हैं, मान लो इसमें से हमने जैसे ही आगे देखा कि 65 करोड़ ही रिकवर होते हैं और 10 करोड़ चले जाते हैं, तो अब बैंक क्या करेगा? अपना जो कैपिटल है ठीक है उसमें से पैसा निकाल के ये 75 करोड़ के अगेंस्ट में जो सिर्फ 65 करोड़ आए हैं, तो जो 10 करोड़ का लॉस हुआ है वो कंपनसेट करेंगे ये 10 करोड़ की शेयर होल्डर्स इक्विटी से। तो इसका मतलब ये है कि अब वो डिपॉजिटर लोग जो हैं वो अपना 75 करोड़ जो है वो अगर मांगने आते हैं तो बैंक ये अब नहीं बोल पाएगा कि भाई हमारे पास अभी 65 करोड़ ही हैं, 10 करोड़ हम नहीं दे पाएंगे।
ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा 10 करोड़ हैं वो ये बैंक जो है वो यहाँ से लेके आएगा, ठीक है। इसलिए डिपॉजिटर्स जो हैं उनका पैसा वो सेफ रहेगा। नाउ असेट्स के बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ये जो असेट्स होते हैं बैंक के, जो कि हमने बोला लोन्स होते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है। तो फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन लेते हैं, ये जो टेबल है ये मैंने आरबीआई की वेबसाइट से ही लिया हुआ है। तो इसमें उन्होंने कुछ लिखा है कि अप टू 30 लाख का जो लोन होगा, ठीक है, और उसमें एलटीवी रेशियो के दो कैटेगरीज होंगी, बिलो 80% और 80 से 90%। तो उन दोनों के लिए रिस्क वेट ये होगा 35% एंड 50%। तो अब ये क्या है, सबसे पहले बैंक के जो असेट्स होते हैं वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बैंक सिर्फ एक ही कैटेगरी को लोन देता रहे। बैंक के असेट्स जो हैं वो तो अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। बैंक पर्सनल लोन भी देता है, ऑटो लोन भी देता है, हाउसिंग लोन भी देता है, अपना कॉरपोरेट लोन भी देता है, कंपनीज को भी लोन देता है। तो बैंक की लोन की कैटेगरी जो है वो अलग अलग होती है और हर एक कैटेगरी का रिस्क जो है वो अलग होता है। हाउसिंग लोन का रिस्क अलग है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का रिस्क अलग है, ऑटो लोन का रिस्क अलग है, पर्सनल लोन का रिस्क अलग है, ठीक है। तो हमें ये देखना होगा कि भाई बैंक अगर किसी को लोन में पैसा दे रहा है, ठीक है, तो उसमें बैंक को रिस्क कितना है। तो अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 30 लाख का अगर लोन दे रहा है बैंक और एलटीवी रेशियो less than 80% है। अब ये एलटीवी क्या है, ये है लोन टू वैल्यू रेशियो। तो मान लो अगर आप हाउसिंग लोन के लिए किसी बैंक में जा रहे हैं, ठीक है, और आप एक रेडीमेड फ्लैट है जो कि आपको परचेज़ करना है, पर उसके लिए आपके पास इनफ पैसा नहीं है, तो आप बैंक से लोन ले रहे हैं। तो अब बैंक क्या करेगा, बैंक सबसे पहले अपना एक वैल्यूअर अपॉइंट करेगा, ठीक है, और उसको बोलेगा कि भाई तुम्हारा ये जो फ्लैट तुम खरीदना चाहते हो उसका वैल्यू निकाल के आओ, ठीक है। वैल्यूअर जो होगा वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होगा, वो सिविल इंजीनियर होगा, उसको पता होगा कि भाई इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लो वो वैल्यू निकाल के देता है 1 करोड़, ठीक है। तो अब आरबीआई बैंक्स को क्या बोलता है कि लोन टू वैल्यू रेशियो जो है वो आपको 90% से तो ऊपर जाने ही नहीं देना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके फ्लैट की जो कीमत है वो अगर 1 करोड़ निकली है वैल्यूएशन में, तो बैंक आपको उसका मैक्सिमम 90% ही लोन देगा। इसका मतलब बैंक आपको 90 लाख ही लोन देगा, 10 लाख आपको अपनी जेब से निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है लोन टू वैल्यू रेशियो। नाउ अब आरबीआई ने ये बोला है कि 30 लाख की हाउसिंग लोन हो और लोन टू वैल्यू रेशियो 80% से नीचे हो, मतलब कस्टमर ने 20% पैसा निकाला है और बैंक ने सिर्फ 80% पैसा दिया है, तो उस केस में बैंक का रिस्क थोड़ा कम होगा, अराउंड 35% जो है उसको रिस्क वेट दिया है, ठीक है। मतलब डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी 35% है। और अगर वो लोन टू वैल्यू रेशियो 80 से 90% के बीच में है, मान लो 90% है, तो इसका मतलब बैंक ने 90% दिया है और कस्टमर ने 10% निकाला है घर खरीदने के लिए, तो उस केसेस में रिस्क वेट 50% दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बैंक ने जहाँ पे कम पैसा दिया है, लोन टू वैल्यू रेशियो कम है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे पैसा जाने की प्रोबेबिलिटी भी कम है। यहाँ पे लोन टू वैल्यू रेशियो ज़्यादा है तो वहाँ पे पैसा जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए इसको रिस्क वेट थोड़ा ज़्यादा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आरबीआई जो है वो हर एक कैटेगरी के लिए कितना रिस्क वेट असाइन करना है हर एक कैटेगरी में, वो आरबीआई बैंक्स को बताता है, ठीक है। नाउ अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ रिस्क वेट, क्योंकि इससे हम एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिराइव करेंगे, और वो ये है कि अगर बैंक ने कोई भी लोन दिया है तो उसको हम बोलेंगे असेट, ठीक है। पर जब उस असेट के साथ उसका रिस्क वेट मल्टीप्लाई हो जाएगा तब उसको बोला जाएगा रिस्क वेटेड असेट्स। मतलब आपका जो मकान आप खरीदने जा रहे हो वो 1 करोड़ का है, ठीक है, और उसमें से बैंक ने 90 लाख लोन दी है, तो
बैंक के लिए असेट की वैल्यू क्या हुई, 90 लाख, पर रिस्क वेटेड असेट की वैल्यू क्या हुई, 90 × 50%, मतलब 45 लाख। तो इसलिए याद रखना कि असेट अलग चीज़ है और रिस्क वेटेड असेट अलग चीज़ है। नाउ बेजल कमेटी की बात करते हैं जिसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो बेजल कमेटी ने बोला है कि जितने भी लोन्स हिस्ट्री में दिए गए हैं, उन्होंने क्या किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी बैंक्स हैं उनके जो पास्ट डेटा थे उनको स्टडी किया और उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि अगर बैंक्स को सेफ रहना है, ठीक है, उनको अगर एफिशिएंटली चलते रहना है और अगर डिफ़ॉल्ट बैंक को खुद डिफ़ॉल्ट होने से बचना है, तो उन्होंने जो लोन्स दिए हैं, ठीक है, या तो उनके जो असेट्स हैं या तो स्पेसिफिकली जो रिस्क वेटेड असेट्स हैं उसका 8% जो है वो उनको कैपिटल में बैकएंड में रखना है सेफ्टी के लिए। सो यही 8% जो है इसको हम बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बैलेंस शीट मैंने बताई थी, यहाँ पे सारे रुपये नहीं लेना है, सिर्फ वही लेना है जो कि बैंक ने लोन में दिए हैं, ठीक है। तो ये होंगे बैंक के असेट, पर हमको ये भी नहीं लेना है। इसमें जो अलग अलग कैटेगरी है उसमें जो लोन्स को रिस्क वेट असाइन किए हैं, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करना है और हमको डिराइव करना है यहाँ पे रिस्क वेटेड असेट। तो मान लेते हैं यहाँ पे रिस्क वेटेड असेट जो है वो टोटल आ गए 20 करोड़ के, ठीक है। तो अगर 20 करोड़ आता है रिस्क वेटेड असेट में तो उसका 8%, ठीक है, उतना बैंक को अपने शेयर होल्डर्स इक्विटी में मिनिमम रखना है, ठीक है। तो ये मतलब है तुम्हारे कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो का, ठीक है। उसका दूसरा नाम भी है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैंने लोन की कैटेगरी लिखी है, ठीक है, उसके बाद हर एक कैटेगरी के लिए क्या रिस्क वेट है वो लिखा है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ये कोई एक्चुअल डेटा नहीं है। नाउ यहाँ पे कोई जो बैंक है उसने कितना लोन अमाउंट दिया है उस कैटेगरी में वो लिखा है, उसके बाद ये लोन अमाउंट को रिस्क वेट से मल्टीप्लाई करके मैंने रिस्क वेटेड असेट कितना है बैंक का वो लिखा है, और उसके ऊपर बैंक को 8% जो कैपिटल अपने शेयर होल्डर इक्विटी में रखना है वो यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट को बैंक लोन देती है तो उस केस में बैंक का रिस्क बिल्कुल लगभग ज़ीरो है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0% असाइन किया है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी थोड़ा और मान लो रिस्क बढ़ गया तो वहाँ पे 20% असाइन किया है। हाउसिंग लोन में 40% है, कार लोन में 70%, पर्सनल लोन, ठीक है, वो काफ़ी रिस्की होते हैं तो वहाँ पे मैंने 100% रिस्क असाइन किया है। और मान लो हर एक कैटेगरी में बैंक ने 100 करोड़ जो है वो दिए हैं, ठीक है, तो लोन अमाउंट भले ही सब में सेम है पर यहाँ पे रिस्क वेटेड असेट जो होगा वो हर एक का अलग होगा क्योंकि हर एक का रिस्क वेट अलग है। तो जो गवर्नमेंट को लोन दी गई है उसमें रिस्क वेटेड असेट ज़ीरो ही रहेगा। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 20 करोड़, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, उसी तरीके से ये बाकी का किया है। नाउ अब इतना अगर रिस्क वेटेड असेट है बैंक का टोटल 230 करोड़, ठीक है, तो उसमें से अराउंड मान लेते हैं 8% NPA हो सकता है, ठीक है, इसीलिए बेजल ने ये बोला है कि भाई 8% कैपिटल तुमको सेफ्टी के लिए रखना है, ठीक है। तो अगर ये रिस्क वेटेड असेट को मैं 8% से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर बैंक इन कैटेगरीज़ में टोटल, यहाँ पे सॉरी ये गलत है, ये 100 करोड़ नहीं है, 500 करोड़ है, ठीक है, टोटल 500 करोड़ लोन देती है और उनके रिस्क वेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर बैंक के रिस्क वेटेड असेट्स जो है वो 230 करोड़ आते हैं, ठीक है, तो
सेफ्टी के लिए बैंक को अपने कैपिटल बेस में कम से कम 18.4 करोड़ रखने होंगे, ठीक है। ये बेजल कमेटी ने ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी बैंक्स को, मतलब के सेंट्रल बैंक्स को बुला है कि भाई अपने कंट्री में बैंक्स को ये बताएं, ठीक है। तो ये था CRAR या CAR, और जो बाकी की चीज़ें हैं बेजल से रिलेटेड वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।